असली मोटिवेशन कहां से आता है? एक तो असली मोटिवेशन ऐसा नहीं होता कि एक साल में एक स्पीच सुनी, एक साल के लिए मोटिवेट हो गए। नहीं, असली मोटिवेशन आता है जिंदगी की जरूरतों से, आसपास से, डेली लाइफ से आता है। और डेली लाइफ से मोटिवेशन चाहिए तो क्या करना चाहिए? ये मैं 3-4 टिप्स दे रहा हूं, आप सब इसको फॉलो करें, आपको डीमोटिवेशन कम से कम नहीं होगा, एकदम आराम से जिंदगी जीनी है, दुखी होना ही नहीं। सबसे पहली बात, अपने आप से इतनी उम्मीदें नहीं पाल लेनी है जो पूरी नहीं हो सकती है। और मैं आमतौर पर जब मोटिवेशन के लिए कोई मुझसे कहता है ना, मैं कहता हूं बच्चों को मत बुलाइए, उनके पेरेंट्स को बुला लीजिए। पेरेंट्स को समझाना ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चों से इतनी उम्मीदें ना पाल लें कि बच्चों को जीना मुश्किल हो जाए। पेरेंट्स की एजुकेशन ज्यादा जरूरी है। भाई मैं देखता हूं मेरा बेटा पढ़ने में ठीक है, बहुत तोप नहीं है, मैं चाहता भी नहीं कि तोप बने, ठीक से पढ़ ले, मस्त रहे एकदम। पर हमारे गरीब मोहल्ले में कुछ बच्चे तोप हैं, उनके माता पिता रात दिन लगे रहते हैं, मम्मी फिर से 10th क्लास कर रही है, पापा भी 10th क्लास कर रहे हैं, बच्चा भी कर रहा है, रात दिन माँ बाप भी पढ़ा रहे हैं उसको, बच्चा पढ़ रहा है, पूरी फैमिली 10th क्लास कर रही है, और बच्चे के 10th क्लास में 99.8% मार्क्स, उसके बाद भी दुखी 0.2 क्यों नहीं आए। और हमारे वाला 50 में खुश रहता है कि बहुत आगे, काफी है, इससे ज्यादा क्या करेंगे। अगर आपने बच्चों से इतनी उम्मीदें पाली, इतना कंपटीशन में उलझा दिया, बेटा तुम्हें फर्स्ट आना है, टॉप करना है, 100% लाना है, ये करना है, वो करना है, आपका बच्चा कितना भी टॉप कर ले वो कभी खुश इंसान नहीं बन पाएगा। और पेरेंट्स के लिए सबसे जरूरी होना चाहिए कि आपका बच्चा खुश रहे, ठीक इंसान बन जाए, आपके बुढ़ापे में आपकी चिंता कर ले, मन ही मन आपसे नफरत ना करने लगे। जब मेरे पास बच्चे अकेले में आके बात करते हैं, कभी कभी रोते हुए बोलते हैं मुझे अपने पेरेंट्स से नफरत है, नफरत, उन्होंने मुझे एक मशीन समझा अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। मेरा मन था ये करने का, धमका धमका कि ये फील्ड दिलवाई जो फील्ड मेरा स्वधर्म है ही नहीं, मैं रोज पढ़ता हूं रो रो के, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का क्योंकि मेरी फील्ड थी ही नहीं। इसलिए आप सबसे कह रहा हूं, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, पर हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। और वो कुछ ना कुछ अच्छा क्या है, जो आपका स्वधर्म है। इतने उम्मीद मत पालिए। मसलन क्रिकेट भारत का शौक आजकल सब लोगों को हो गया है, लाखों बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं गली मोहल्ले में, सबको आईपीएल में आना है, सबको भारत की टीम में आना है। पर भारत की टीम में कुल 16 लोग आएंगे, उनमें भी 11 खेलेंगे, 5 बाहर बैठेंगे। और लाखों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं रात दिन की टीम में आना है, ध्यान रखना है आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें सफल होने से ज्यादा संभावना विफल होने की है। इसलिए तैयारी करते हुए इस चीज की भी तैयारी करनी है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। और मैं बच्चों को बार बार कहता हूं, जिंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, मिले बढ़िया, ना मिले भाड़ में जाए, एकदम भाड़ में जाए, ठीक। और मैंने खूब देखा है आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं दुख से, तनाव से, परेशानी से। और मैंने देखा है कुछ लोग छोटी सी नौकरी में इतने मस्त मौला होते हैं कि जिंदगी की हर खुशी जैसे उनके पास ही है। अंत में खुश रहना है तो उसके लिए वो एक नौकरी जरूरी थोड़ना है, मिलेगी तो बढ़िया है, ना मिले तो भाड़ में जाए। तो अपना तकिया का नाम बना लीजिए, तकिया का नाम का मतलब अपनी एक पंचलाइन बना लीजिए, अपनी एक मिशन स्टेटमेंट बना लीजिए कि ताकत लगाएंगे पूरी, पूरी ताकत से कोशिश करेंगे कि जो मैं चाहता हूं, जज बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, आईएएस बनना है, जो बनना है बनूं, उद्यम करना है उद्यम करूं, स्टार्टअप करना है स्टार्टअप करूं। पर नहीं हुआ, कोई पूछे ना अगर नहीं हुआ तो, बोला भाड़ में जाए, क्या हो गया नहीं हुआ तो, कुछ और करेंगे, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। ये इंसान के बारे में नहीं, अभी नौकरी के बारे में, ये नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी सही, कोई और नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी सही, ऐसा क्या है, हजार ऑप्शन। तो खुद से उम्मीदें कम। दूसरा, अपने आसपास 3-4 ऐसे लोग रखिए जो जनरली
पॉजिटिव रहते हो, मनहूस ना हो। ये दुनिया मनहूस लोगों से भरी हुई है। आप कुछ भी करने लगेंगे, आप कहेंगे मैं सोच रहा हूं कि अपना काम शुरू करूं, रुकेंगे अरे पागल मर जाएगा, अरे पागल तेरे खानदान में किसी ने किया आज तक, अरे तेरे बस की बात नहीं है, अरे छोड़ दे तुझसे होगा ही नहीं, मैंने पहले ही कहा था नहीं होगा। इन मनहूसों से दूर रहिए। ऐसे दो चार लोग जो थोड़ा पॉजिटिव हो और सोच समझ के सलाह दे। जैसे आप कहें कि मैं सोच रहा हूं कि मैं आईएएस की तैयारी कर लूं, आपका दोस्त कहे देख भाई मैं तेरे साथ हूं, सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये तीन चार बातें हैं, पहले सोच लो, इन इन बातों पे अगर ठीक लगे तो आगे बढ़ो, क्योंकि लंबी स्ट्रगल है। हाँ स्ट्रगल करोगे तो मैं साथ में हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा, छोटे छोटे टारगेट्स, छोटा छोटा कॉम्पिटिशन जीवन में रखिए। एक लंबी यात्रा एक झटके में नहीं होती है, बहुत छोटे छोटे टारगेट से पूरी होती है। जैसे मैं रोज 8 घंटे पढ़ूंगा, आज मुझे इतना सिलेबस कर लेना है, उतना कर लीजिए। एक टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल हमेशा पूरा नहीं होता है, वीक में 5 दिन पूरा हो जाए सही है, 2 दिन नहीं होगा, क्योंकि इस उम्र में क्या होता है कि 5 दिन पढ़ लिए, 6 दिन जा रहे थे, किसी को देख के अच्छा लग गया, अब उसी की याद में खोए हुए हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वो भी करना है ना, इंसान बने रहना है, मशीन नहीं बनना है। तो 5 दिन पढ़िए, 6 दिन मोहब्बत का रखिए, दोस्ती का रखिए, खेलने का रखिए, और इन सब चीजों को मैनेज करते हुए एक अच्छी लाइफ के साथ अगर टारगेट्स लेके चलेंगे, छोटा छोटा कॉम्पिटिशन अपने दोस्तों के साथ करते हुए आगे बढ़े, तो मोटिवेशन आमतौर बना रहता है। और जब जब डीमोटिवेशन ज्यादा होने लगे तो मेरे जैसे किसी की बात सुन लीजिए, 1-2 घंटे के लिए गुब्बारा फूल जाएगा, और 2 घंटे के लिए अगर उस फेज से आप निकल गए तो चीजें ठीक रहेंगी।